ये है एक्टिवा, जो अभी नया लॉन्च हुआ है एक्टिवा का, होंडा एक्टिवा का नया वर्जन है ये, नेक्स्ट वर्जन बोल सकता हूँ उसको, अच्छा गाड़ी है ये। आके पर्ल सीरियन ब्लू कलर हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है, दिखने में अच्छा। फ्रंट में 12 इंचेस के व्हील, हाइड्रोलिक शॉक अब्सर, जो पहले 6Z में आते हैं वो की वो। फ्रंट लुक भी लगभग सेम ही है, 6Z जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है। ये इसका नेक्स्ट कलर जो है ग्रे कलर, मैट टेक्सिस ग्रे कलर बोलते हैं इसको। ये PS ब्लू अच्छा कलर है, या के रीबल रेड मेटेलिक। इसके अंदर पहले एक्टिवा में 6Z लिखा हुआ था लोगों के साथ में, अभी वैसा नहीं है, अभी आके एक्टिवा ही लिखा हुआ आता है, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्टिवा। वही पेट्रोल टैप आप पीछे खोल सकते हैं, जैसे हम पुराने 6Z में खोलते थे, वही यहीं से। ये आपके नॉर्मल व्हीकल है, ये सीट ये ऊपर दबाएंगे तो पेट्रोल, ये आके सीट, वही 18 इंचेस का है, 18 लीटर का कैपेसिटी लगभग दिया हुआ वो की वो पुराना वाला, ज़्यादा कुछ भी नया नहीं है। ये पेट्रोल टैप, इसको कभी भी आप बंद करें तो पूरा करना है, आधा अधूरा बंद नहीं करना है। क्यों हम आगे बैठे रहते हैं पीछे से वो आधा अधूरा बंद करते, वैसा नहीं, हमको पूरा चेक करना है, बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या पेट्रोल लीकेज होने का चांसेस रहता है। पीछे का टायर 10 इंचेस है, इसमें एच स्मार्ट में किकर नहीं आता है, बाकी दोनों वेरिएंट में किकर आता है, इसके अंदर किकर है, एच स्मार्ट में किकर नहीं आता है। वहाँ के आप 2 मीटर रेडियस से गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें वैसा नहीं है, नॉर्मल अपना जो गाड़ी है वही है। ये एक्टिवा रीबल रेड, ये एक्टिवा ग्रे मेटालिक, मैट टेक्सिस ग्रे मेटालिक बोलते हैं। ये आके PS ब्लू कलर अच्छे हैं सारे, हमने जो मंगाया वो डीलक्स वेरिएंट है कंपनी में, अच्छा है। ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करते हुए कंपनी ने ये मॉडल वापस दिया है अपने को। ये